नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। अगली ब्रेकिंग न्यूज एमपी से है, जहां कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। यहां 24 घंटे में 12,897 नए मामले सामने आए हैं और 79 मरीजों की जान चली गई। अकेले राजधानी भोपाल में 24 घंटे में 1,703 नए मामले सामने आए। इस दौरान 5 मरीजों की मौत हो गई। एमपी वो राज्य है जहाँ राज्य सरकार और प्रशासन पर मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप भी लगे। और इस वक्त भोपाल के हालात कैसे हैं, कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए भोपाल के एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान जमीन पर कितना कारगर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल के डीएम अविनाश लवानिया जी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जो आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं, आपके प्रशासन पर लग रहे हैं कि मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। मैडम, मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द एंटायर एफर्ट एंड द एंटायर फोकस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द गवर्नमेंट टुडे इज़ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ लोगों को अवेलेबल करा पाएँ। जहाँ तक डेथ्स की बात है, जो भी डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं हमारे पास, वो सभी हम सार्वजनिक कर रहे हैं। वन थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट इज़ कि भोपाल, केवल भोपाल ज़िले को नहीं लेकिन आसपास के सारे इम्पोर्टेंट शहर और आपके जो आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी को भी केटर करता है। तो जो बाहर से आए हुए पेशेंट्स की भी डेथ्स होती हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनका भी अंतिम संस्कार जो है वो भोपाल में ही होता है। तो दैट इज वन फिगर दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन द फिगर दैट इज शोन फ्रॉम भोपाल। नहीं, मैं उन तस्वीरों की बात कर रही हूँ जो आपसे कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखे। आज चिताएं इतनी जल रही थी कि चारों तरफ आग के लपटे ही नजर आ रही थी। हमने तस्वीर वो भी देखी है डीएम साहब की, जो आंकड़ा शमशान घाटों से मिल रहा है, कब्रिस्तानों से मिल रहा है, उस आंकड़े में और साथ ही उस आंकड़े में जो प्रशासन दे रहा है, फर्क नजर आता है। मैं आपको उसी फर्क के बारे में फर्दर क्लैरिफाई कर रहा था कि क्योंकि आज की डेट में लगभग सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविड का इलाज कर रहे हैं, नाउ दे आर नॉट डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स। तो क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि ऐसे सभी हॉस्पिटल्स में कोई भी डेथ यदि होती है तो उसका भी अंतिम संस्कार जो है वो कोविड प्रोटोकॉल से ही किया जाए, जिससे कि हम इस डिज़ीज़ को फर्दर कंटेन कर सकें, फैलने की किसी भी प्रकार की जो संभावना है उसको निगेट कर सकें। तो ये जो सस्पेक्टेड केसेस भी होते हैं, इन सब की भी जो अंतिम संस्कार होते हैं वो एज़ पर प्रोटोकॉल ही होते हैं। ठीक डीएम साहब, हम बात कर लेते हैं उस इंजेक्शन की, जिस दवा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है वो है रेमडेसिविर। आपसे ये जानकारी चाहेंगे, इस वक्त पूरे राज्य में, या माफ़ कीजिए, आप भोपाल के डीएम हैं, तो भोपाल में इस वक्त कितने ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और कितने ज़्यादा रेमडेसिविर की आवश्यकता या खपत यहाँ पर है? In this case, I would like to mention, madam, that remdesivir is a challenge that government is tackling on a daily basis. हम लोग लगातार ज़्यादा से ज़्यादा remdesivir की सप्लाई जो है वो इंश्योर कर रहे हैं। कल या परसों रात को ही अराउंड 2500 रेमडेसिविर के इंजेक्शंस भोपाल को प्राप्त हुए, जो कि सभी हॉस्पिटल्स को अवेलेबल कराए गए। एट द सेम टाइम आज फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि थ्रू एयर ट्रांसफ़र फर्दर काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट में रेमडेसिविर इंजेक्शंस भोपाल को प्राप्त हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द मोर इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज दैट देयर इज अ सर्टेन प्रोटोकॉल फॉर द रेमडेसिविर इंजेक्शन एज वेल। देखने में ये आ रहा है कि जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट इज बीइंग रिकमेंडेड अ रेमडेसिविर इंजेक्शन। नाउ इफ यू गो बाय दैट, देन ऑफ कोर्स किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसी भी सरकार के लिए, फॉर दैट मैटर किसी भी देश के लिए, उसकी आपूर्ति संभव पूरी कराना संभव नहीं होगा। बट आई कैन एश्योर यू कि इफ यू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, केवल जिन लोगों को वास्तव में रेमडेसिविर इंजेक्शंस की आवश्यकता है उन्हीं को रेमडेसिविर इंजेक्शंस लगाए जाएं, तो द सप्लाई इज इनफ एंड वी कैन केटर टू द नीड्स ऑफ द सिटी। एक ऐसा सवाल है कालाबाजारी को लेकर, उसमें मैं सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि ग्वालियर के डीएम भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम आपसे भी चर्चा करेंगे और मैं साइड बाय साइड आप दोनों से सवाल पूछूंगी। कौशलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं पहले ग्वालियर का एक आंकड़ा जो है आपके सामने रख देती हूँ। ग्वालियर में कोरोना की स्प्रेड लगातार तेजी से दिखाई दे रहा है और कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सी तैयारियां की है। हमारे साथ डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी मौजूद हैं। कौशलेंद्र जी, इस वक्त ग्वालियर में क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि 1,157 केसेस 24 घंटे में रजिस्टर हुए हैं और यहां पर भी आंकड़ा कर्फ्यूज के बाद भी लगातार बढ़ रहा है।
नहीं, हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं और आंकड़ा ये बात सही है कि हमारे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी अप्रॉक्स 30% है, बट हमारी प्रिपरेशन पूरी है। हमने एक तरफ उसको रोकने के लिए लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, इसके अलावा हमारे मेडिकल कॉलेज में हम लगातार बेड अपने बढ़ाते जा रहे हैं और अभी तक अगर आप हमारे देखेंगे तो 3000 के अप्रॉक्स हमारे बेड रेडी हैं। हमारी टीम 24/7 काम कर रही है कमांड कंट्रोल से। इसके अलावा हर हॉस्पिटल में हमने अपने ऑफिसर बैठाए हुए हैं जो कोऑर्डिनेट। एक्टिव केसेस की बात करूं अगर मैं कौशलेंद्र जी, तो एक्टिव केसेस इस वक्त ग्वालियर में कितने हैं? अभी हमारे एक्टिव केसेस जो है 7,500 के आसपास हो गए हैं एज ऑफ नाउ, बट वी आर रेडी कि सभी लोगों को बेड अवेलेबल हो जाए, जिसको आईसीयू बेड चाहिए उसे आईसीयू बेड अवेलेबल हो जाए, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी, जैसा कि कलेक्टर भोपाल कह रहे थे, अगर ऐसा प्रोटोकॉल लगेगा तो हमारे पास पर्याप्त अवेलेबिलिटी है। अभी हमारे फिर से एक प्लेन आ रहा है जो अभी एक आध घंटे के भीतर हमारे यहाँ इंजेक्शन पहुँच जाएंगे, बट अगर सभी लोग जिनको आवश्यकता नहीं है वो लगवाना चाहेंगे तो दिक्कत आती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपको भी अविनाश जी और विक्रम जी एक साथ मैं आप दोनों से बात कर रही हूँ। अविनाश जी एक बात बताएं, ये जो रेमडेसिविर की काला बाजारी है, इसे रोकने के लिए आपका प्रशासन क्या कर रहा है? सो देयर आर टू थिंग्स दैट गवर्नमेंट इज डूइंग जिससे कि इसकी कालाबाजारी को रोका जा सके। एक तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी सप्लाई है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को अवेलेबल कराई जाए रेदर देन इंडिविजुअल्स। इससे दो चीज़ें इंश्योर होती हैं, एक तो ये कि क्योंकि हम इंडिविजुअल्स को नहीं दे रहे हैं, केवल जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिसके बारे में हमें पता है कि उनके कोविड के पेशेंट्स हैं, जब केवल उनको रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिलते हैं तो एक स्टेप तो हम उसमें से मिडिल मैन का काटते हैं कि कोई भी उनको मार्केट में अवेलेबल ना करा पाए, नंबर वन। नंबर टू, इसका एडवांटेज ये भी होता है कि सिंस दे आर अवेलेबल विद द हॉस्पिटल्स, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि केवल वो पेशेंट्स जिन्हें सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता है उनको वो रेमडेसिविर की उपलब्धता हो, नंबर टू। नंबर थ्री, हम लोगों ने ये किया है कि हम लोगों ने हर हॉस्पिटल पे इन टू शिफ्ट्स अपने ऑफिसर्स लगाए हुए हैं। हम उनसे रेगुलरली अपडेट लेते हैं कि आपको जो भी रेमडेसिविर के इंजेक्शन पहुँचाए गए हैं वो आपके किस किस पेशेंट्स को एडमिनिस्टर किए गए हैं। इसके साथ ही हम लोग उन पेशेंट्स से भी ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या रेमडेसिविर का इंजेक्शन आपको जो गवर्न प्राइस है, MRP है, उसी पे प्राप्त हुआ है या उसमें भी आपसे ओवर प्राइसिंग की गई है। इसके आधार पे एक दो केसेस में हमारे द्वारा कार्रवाई भी की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि हॉस्पिटल्स के द्वारा रेमडेसिविर की ओवर प्राइसिंग ना की जी। कौशलेंद्र जी, अब मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात कर रही हूँ क्योंकि रेमडेसिविर आप बता रहे हैं कि अगर इसका सही मैनेजमेंट होगा तो शायद किल्लत नहीं होगी, लेकिन ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट के पीछे वजह क्या है, क्यों ऑक्सीजन बेड्स की कमी हो रही है? नहीं, अभी हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन बेड हैं और ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बेड्स की कमी हो रही है। हम लोग उसका रेशनल कंजम्पशन भी मॉनिटर कर रहे हैं और इसके अलावा जिसको ज़रूरत है उसी को बेड मिले इसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो इस एंटिसिपेशन में कि हमें भविष्य में ना ज़रूरत पड़ जाए वो अपना बेड पहले से ऑक्यूपाई कर ले, तो स्टेप डाउन फैसिलिटी पे भी हम काम कर रहे हैं, इन दोनों ही चीज़ों पे हम वर्क कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका भी और कौशलेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।